देखिए देवेंद्र जी से एसआरएफ फाउंडेशन के जो प्रोग्राम मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे हमने बातचीत की और अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं अगले सेशन और बातचीत के लिए अनुराग को, जो संचालन करेंगे इस बातचीत का एक ऐसी महिला से जो उम्र में तो शायद बहुत कम है लेकिन उनका एक्सपीरियंस, उनकी उम्मीद और उनकी सोच उससे कई गुना ज्यादा बड़ी है। ये एक सरपंच है जगुआस गांव की, अनु चौधरी, और क्या इनका मकसद है, क्या इनके सपने हैं, ये इनसे चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनुराग। अनु जी आइए मंच पर, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अनु जी हमारे साथ है, अनु चौधरी जो मुझे लगता है वन ऑफ द यंगेस्ट सरपंच है अनुराग, और हाँ उनको गुलदस्ते देकर के सम्मानित भी अनुराग करेंगे और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया श्वेता, शुक्रिया ज्योति। सबसे पहले मैं नारी शक्ति को प्रणाम करती हुई आप सभी को नमस्कार करना चाहती हूँ और इस मंच पर मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया उन सभी महान भावों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। शुक्रिया मैम, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम जब नारी शक्ति की बात करते हैं तो ऐसे उदाहरण हम लोगों को और प्रोत्साहित करते हैं कि हमारे समाज में वो शक्ति जिसको आज बहुत आगे होने की जरूरत है वो आज अपनी बदौलत यहां तक पहुंचे। एक बार फिर से बहुत जोरदार स्वागत कीजिए मैम का। अनु चौधरी जी हमारे साथ हैं और सबसे युवा सरपंच हैं। तो मैम शुरुआत करता हूं कि गांव ढाणी में जब सरपंची का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, तो होता है मैम ये कि घर का कोई मुखिया कहता है कि हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब महिलाओं के लिए आरक्षण भी है पंचायत में। तो ये सोच कैसे आई, कैसे आप बतौर महिला अपने आप को प्रोत्साहित कर पाएं कि आपको चुनाव लड़ना है, आपने चुनाव लड़ा और जीता भी। सर मैं अपनी जीवनी बदलवाना चाहती हूं। मेरे सामने बहुत सारी मुश्किलें आई थी जब मैंने ये निर्णय लिया कि मैं सरपंची का चुनाव लड़ना चाहती हूँ। मेरे परिवार में वहाँ पे मेरे दादाजी थे, वो 30 साल सरपंच रह चुके थे, तो मैं बचपन से ही सोचती थी मेरे दादाजी को देख के कि मैं भी पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ससुराल कैसी मिले कैसी नहीं मिले। कारणवश ऐसा हुआ कि मेरे भैया कोरोना में खत्म हो गए, तो उसके बाद में मेरे फादर भी खत्म हो गए थे, तो उससे मेरे दिमाग में जो चिंता बैठी थी, स्ट्रेस बैठा हुआ था, मैं समझ सकती हूँ कि मैं किस कौन सी मुश्किल घड़ी से उसका सामना किया। जब यहाँ पे आई, ससुराल आया गया, तो देखा कि यहाँ पे खुद चाचा, जो मेरे हस्बैंड के चाचा जी थे, वो चुनाव लड़ रहे थे, वो 15 साल सरपंची कर चुके थे, और हमने उनसे बात की कि मेरा पॉलिटिक्स में आने का मन है, हमें सरपंची लड़नी है, तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे मना कर दिया। मेरा मजाक भी बनाया गया कि क्या सरपंची कर सकते हो आप, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हो गया, मैं भैरोड से ससुराल हो गया और मैं भरतपुर से हूँ, तो बोले कि लोगों को इसकी भाषा समझ में नहीं आएगी, ये किडिम किडिम करेगी, क्या बोलेगी क्या नहीं लेडीजों के लिए। लेकिन जब मैंने मेरे हस्बैंड की सपोर्ट मांगी कि अगर हम आज चुनाव मैं बैठ गए तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि हमें कायर कहा जाएगा, इसीलिए मैं चुनाव लड़ी। और आपके चाचा आपके खिलाफ थे? हाँ, मेरे चाचा जी मेरे खिलाफ खड़े हुए थे चुनावों में भी, आमने सामने टक्कर हुई। लेकिन जब वो कहते हैं कि जनता ने मेरा साथ दिया और महिलाओं ने, जब मैंने ये पहल शुरू की, मुश्किलें बहुत आई, लेकिन कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है और उसका मजाक बनाया जाता है, शायद वो ही ऊपर पहुंचता है, और मैं फर्स्ट नंबर पे आई और मेरे चाचा जी चौथे नंबर पे आए थे। क्या बात है, महिलाएं आज हमारे समाज में जो एक मील का पत्थर गाड़ रही हैं, वाकई में ये काबिले तारीफ है मैम, सैल्यूट है आपको। मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि आप कईयों के लिए इंस्पिरेशन है, आपको जब लोग देखेंगे तो आप कईयों के मन पर एक ऐसा इम्पैक्ट डालेंगे कि वो हो सकता है कह दें कि वो आपकी तरह बनना चाहता है। मैं ये चाहता हूं आपसे जानना कि आप समाज में क्या चाहती हैं, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और बतौर सरपंच आप क्या करती हैं? सर मैं पहले तो सबसे पहले राजस्थान सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि जब तक हम महिलाओं को सशक्त नहीं करेंगे, शिक्षा नहीं दिलाएंगे, तो वो अपनी योजनाओं का खुद अपने आप में अनुरूप नहीं कर पाएंगे कि हमारे लिए कौन सी योजना कहाँ काम आ रही है।
जब हम महिलाओं को और पुरुषों को बराबर वे में काम करने के लिए कहेंगे और बराबर वे में उनको लेके जाएंगे, तभी हम महिलाओं को सशक्त करेंगे और जब भी महिलाओं को अपनी योजनाओं के बारे में पता चलेगा। और आप ये विषमता कैसे देखती हैं? क्या आपके समाज में आसपास आपने ये देखा कि लोग कह दें कि आप महिलाएं आप ये मत कीजिए, आप पुरुष आप ये कीजिए? आपने नहीं सर, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं ऐसी कि महिलाओं को रोक दिया जाता है, उनका टैलेंट भी हम छुपा देते हैं। बहुत सारी मेरे गांव पंचायत में मैं देखती हूँ, घर घर में जाके देखती हूँ कि महिलाओं के लिए हर जो लड़कों के लिए किया जाता है वो महिलाओं के लिए नहीं किया जाता, लेकिन आज की महिलाएं खुद सशक्त होके कुछ शिक्षा के जरिए से खुद अपने आप में सशक्त होके ऐसा कदम बढ़ाती हैं कि वो कर दिखाती हैं कि हम इस काम को कर सकते हैं। जैसे जो जज्बा मेरे अंदर है, मेरे घर में भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी, दिक्कतें आई थी कि मुझे बैठने के लिए बोला गया था, लेकिन मेरे अंदर जो हौसला था, मैं मेरे हस्बैंड का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सपोर्ट की, बजाय घर में भी खिलाफ थे मेरे, जैसे कि मैं बोलूं तो, पर मेरे हस्बैंड की मेरे साथ सिर्फ सपोर्ट इसलिए कि आप महिलाएं, हाँ सिर्फ बनना है। मैंने मेरे हस्बैंड से बात की तो मैं सिर्फ इस वे में गई कि मैं कायर कहलाऊंगी अगर हमने कुछ नहीं किया तो आगे। मतलब हमारी नारी शक्ति लड़ना जानती है। एक बार बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एक बार फिर से जो बातें उन्होंने कही। मैं ये भी जानना चाहूंगा अनुजी कि जब आप जीती चुनाव, सरपंच का चुनाव जीत गई आप, तो गांव के लोगों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि हो सकता है जैसा आप बता रही हैं कि आपके घर से लोग बहुत सालों से चुनाव लड़ते आ रहे थे सरपंच का और वो पुरुष ही थे, तो एक महिला प्रधान पाकर, एक महिला सरपंच पाकर क्या रिएक्शन था, गांव के लोगों ने क्या कहा? नहीं सर, गांव के लोगों ने मेरा फुल सपोर्ट किया। जब मैंने जाके ये देखा कि गांव के लोगों का मेरे साथ साथ है, तो मेरी खुद हौसला बढ़ता गया और मैं चुनाव जीती और गांव में एक तरफा माहौल हो गया था। हाँ यस सर, बहुत बदलाव आए हैं और आज भी मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ। जहाँ पे भी मुझे पता चलता है कि वहाँ प्रोग्राम है तो मैं महिलाओं के लिए मोटिवेट करती हूँ और महिलाओं को यही सीख देती हूँ कि जिस तरीके से मैं हर चुनौती का सामना करके आगे आई हूँ, वैसे कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो कुछ भी काम नहीं कर सकती। मैं क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, यस मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि महिलाओं का विकास करने को लेकर आपकी सोच क्या है। आपका हो सकता है कि दायरा छोटा हो, लेकिन आपके पास वो ताकत है कि कम से कम एक छोटे वर्ग के लिए ही, लेकिन आप बहुत बदलाव ला सकती हैं। यस सर, तो आप इंस्पिरेशन तो है ही, लेकिन आप उनके दिनचर्या में बदलाव हो, उनकी लाइफस्टाइल बदले, उनकी जिंदगी बदले, वो सशक्त हो, इसके लिए क्या सोच रखती हैं? सर मैं महिलाओं से बातें भी करती हूँ तो वो अपने घर के बारे में जवाब देती हैं कि हमारा ससुर नहीं करने देगा, हमारा हस्बैंड नहीं करने देगा, हमें पल्लू में रहना पड़ता है। हालांकि मैं सरपंच हूँ, लेकिन कभी मीटिंग होती है तो मैं सर से पल्लू हटा लेती हूँ, लेकिन मुझे भी अपने मान मर्यादा आव इज्जत को सिर पे पल्लू रखना चाहिए। और मेरे घर में तो ये भी कह दिया गया है कि घूंघट ही जरूरी नहीं है, हम जरूरी नहीं है कि हमारे घर जैसे और किसी का घर परिवार भी छूट दे, लेकिन मैं कहती हूँ कि घूंघट में भी एक महिला सब कुछ कर सकती है। ऐसी बात नहीं है कि घूंघट के अंदर करे या नहीं करे, घूंघट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत आगे जा सकती है। अनुजी मैं आपकी सोच के बारे में बात करना चाहता हूँ कि वो सोच क्या है, कि आप क्या चाहती हैं कि महिलाओं के लिए क्या हमारे समाज में आना चाहिए? क्या आपको लगता है कि शिक्षा होनी चाहिए सबसे पहले? नहीं सर, या उन लोगों को जो सोशल फ्रीडम होती है वो मिलना चाहिए? क्या आप सोचती हैं कि सबसे पहले महिलाओं के लिए क्या हमारे समाज में किए जाने की जरूरत? सर मैं सोचती हूँ कि हमारे समाज में जो ये पुरुष प्रधान सत्ता है उसको कम करके महिलाओं को भी ऐसी सत्ता दी जानी चाहिए कि उसमें समान वे में वो हो। ऐसा हुआ है, समान वे में समझते हैं महिलाओं को, लेकिन अभी तक ऐसी आजादी नहीं मिली है, इतनी स्वतंत्रता नहीं मिली है कि महिला अपने स्वयं के निर्णय को अपने आप ले सके। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रत्येक महिला को अपना निर्णय लेने के लिए सक्षम होना चाहिए, जिससे वो आगे चल के अपनी राह से अपनी मर्जी से काम कर सके। और अगर मैं इसे जोड़ूं सरकार के कामकाज से कि सरकार इसमें आप जैसे जनप्रतिनिधियों की, आप जैसी महिलाओं की जो समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, जो बदलाव लाना चाहती है, सरकार कैसे मदद करती है, कर सकती है, तो क्या बताएंगी आप? सर सबसे पहले तो मैं महिलाओं की सिक्योरिटी की बात करती हूँ कि जो ये महिलाओं के लिए सशक्त होना पड़ेगा राजस्थान सरकार को, क्योंकि आए दिन मैं ये कहानी देखती हूँ बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन हमारी जो सरकार है उसमें सशक्त कदम ले तो ये शायद सब कुछ मुमकिन हो सकता है और सब कुछ आसान भी हो सकता है। आप बदलाव की बात करती हैं, आप अपने ग्राम पंचायत में अपने जो क्षेत्र है उसमें क्या बदलाव लेकर आए? क्या स्कूलों के लिए काम किया आपने, महिलाओं में अवेयरनेस हो इसके लिए क्या काम किया, अगर वो कुछ बता पाए? सर मैंने स्कूलों में भी जाके देखती हूँ और स्कूलों में भी अच्छी व्यवस्था है, आंगनबाड़ी में भी जाके देखती हूँ अच्छी व्यवस्था है। मेरे आसपास के लोग भी कहते हैं इस चीज का कि मैं चाहे कम उम्र में सरपंच बनी हूँ, लेकिन उम्र के
साथ साथ मेरे को इतना अनुभव तो हो गया है, वो हौसले सब कुछ सिखा देते हैं। ये भी मैं बखूबी जानती हूँ कि क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है, और मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार हमारे लिए योजनाएं चलाएं, वो हर प्रत्येक महिला को पता चलनी चाहिए कि हमारी योजनाएं क्या है, और वो तब पता चलेगा जब हमारी बच्चियां शिक्षा के लिए होंगी। और मैं अपने गार्जियन से ये भी कहना चाहती हूँ कि जो आज की जिंदगी है वो मशीनी युग है, प्रत्येक कार्य हम मशीनों के द्वारा करते हैं और डिजिटल लाइफ हो गई है, जिससे बच्चों पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कहानी के तौर पे हम बात करें तो पूरा परिवार रहता है तो अपने अपने फोनों में बिजी रहते हैं, जो बच्चों के लिए कम टाइम दे पाते हैं, इससे बच्चों में और माता पिता में वो दूरी बढ़ती जा रही है, उसका डिजिटल लाइफ का भी मैं कम से कम बच्चों के सामने। और ये मैम आप सही, बिल्कुल ये ठीक पहलू है कि एक तरफ जहां हम डिजिटल लाइफ से बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, सशक्त हो रहे हैं, हम अपने परिवार से दूर हो रहे हैं, तो ये भी करने वाली अगर कोई कर सकती है हमारे घर में हमारे समाज में तो वो महिला ही कर सकती है। मैं आखिरी सवाल आपसे जाना चाहूंगा, क्योंकि हम एक टर्म, एक टर्मिनोलॉजी, एक शब्द बहुत लंबे वक्त से सुन रहे हैं बदलाव का, कि महिलाओं के लिए बदलाव होना चाहिए, चेंजेस फॉर द गुड, यानी कि अच्छे के लिए बदलाव होना चाहिए। आप कहां महिला समाज को पाती हैं, जब आप उस तबके को वहां देखें तो ये लगे कि ये बदलाव जो है ये माकूल है, ये काफी है महिलाओं के लिए। सर कुछ दिन पहले भी राजस्थान सरकार द्वारा नारी चौपाल के रूप में एक प्रोग्राम चलाया गया था, जहां पे एक दिन नारियों के लिए हुआ था, नारी चौपाल के जरिए से पूरी ग्राम पंचायत की, मैंने अपनी ग्राम पंचायत में किया था ये कार्य, कि पूरे जो हमारे चार गांव आते हैं ग्राम पंचायत में, उन चारों गांव की महिलाओं को मैं एक चौपाल पे, जिस तरीके से पुरुष आते हैं चौपाल पे, उस तरीके से मैं एक दिन पूरी ग्राम पंचायत की महिलाओं को चौपाल पे लेके आई थी, जिससे मुझे लगा था कि महिलाएं भी आगे आती हैं और घर वाले भी उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ डर है उनके अंदर, लेकिन बहुत कुछ कर सकती हैं वो। बहुत शुक्रिया मैम, आपने जो अपने विचार साझा किए, जाहिर बात है कि कई महिलाओं के लिए, वो महिलाएं जो अपने घरों में रहती हैं, वो इससे बहुत इंस्पिरेट होंगी कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैम बहुत शुक्रिया, आपकी उम्र बहुत छोटी है लेकिन आपका, आपकी सोच, आपके करने का तरीका बहुत बड़ा है। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। लास्ट में मैं दो पंक्तियां नारियों के लिए बोलना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं नारी का कोई घर नहीं होता, लोग कहते हैं नारी का कोई घर नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ जिस घर में नारी नहीं हो वो घर घर नहीं होता, वो घर घर नहीं। जोरदार तालियां, शुक्रिया।